क्या माँ को बेटे की असलियत पता चल पाई? अमित अपनी नई चमचमाती हुई कार से नीचे उतरा। उसकी पत्नी शीला उसका ही इंतजार कर रही थी। ऑफिस से आते ही वो चाय पीता था। शीला ने चाय का पानी चढ़ा रखा था। थोड़ी देर में शीला अमित के साथ बैठकर चाय पीने लगी। चाय पीते हुए अमित कहने लगा कि चिंटू कहाँ है। शीला कहने लगी कि चिंटू होमवर्क कर रहा है। तभी अमित के फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो उसकी माँ यशोदा जी ने बड़े ही प्यार से कहा कि बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम कहो तो कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास शहर आ जाती हूँ। अमित माँ को समझाते हुए कहने लगा, अभी नहीं माँ, अभी कुछ दिन और इंतजार करो, मैं तुम्हें खुद ही शहर बुलाऊंगा। माँ, जब मैं कार खरीद लूंगा ना, तभी शहर आना, तो मैं तुम्हें अच्छे से घुमा पाऊंगा। उसकी बात सुनकर यशोदा जी चुप हो गई, क्योंकि हर बार वो यही बात कहकर माँ को चुप करा देता था। तभी अमित आगे बोला, माँ, वो इस महीने के किराए के रुपए आए नहीं है अभी तक। यशोदा जी ने कहा, बेटा, इस बार एक किराएदार को कहीं बाहर जाना था, तो वो 5 दिन बाद किराया देगा और बाकी लोगों को सैलरी नहीं मिली है। किराया मिलते ही मैं तुम्हारे अकाउंट में रुपए डलवा दूंगी। वैसे भी तुम्हारे बाबूजी की पेंशन से मेरा खर्च चल ही जाता है, तो यह सब रुपए तो तुम्हारे ही हैं बेटा। तुम्हारे बाबूजी ने बहुत दूर की सोच कर यहाँ 5 कमरे और बनवाए थे, ताकि किराए के रुपए से हमारा खर्च आराम से चलता रहे और हमें भविष्य में कोई परेशानी ना हो। अमित मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, यह तो पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया। किराए के रुपए मुझे मिलते रहते हैं तो यहाँ शहर में कोई दिक्कत नहीं होती है। तुम्हें तो पता ही है कि शहर में महंगाई कितनी है। मेरी अकेले की तनख्वाह से घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। ऊपर से चिंटू के स्कूल की फीस भी बहुत ज्यादा है। यशोदा जी ने कहा, बेटा, तुम उस सब की चिंता मत करो, मैं जल्दी ही रुपए भिजवा दूंगी। तभी 7 वर्षीय चिंटू अमित के पास आया और कहने लगा, पापा, मुझे मोबाइल दो ना, मुझे गेम खेलना है। तो अमित ने कहा, 2 मिनट रुको बेटा, मैं दादी से बात कर रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद अमित ने कहा, माँ, फोन रखो, चिंटू गेम खेलने के लिए मोबाइल मांग रहा है। यशोदा जी ने कहा, ठीक है बेटा। तभी चिंटू ने अमित के हाथ से फोन छीन लिया और वहाँ से थोड़ी दूर जाकर वो गेम खेलने लगा। तभी शीला हंसते हुए बोली, तुम हमेशा अपनी माँ को बहाना बनाकर हमारे यहाँ आने से रोक लेते हो, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने तो कब की कार खरीद ली है, तब क्या होगा। अमित लापरवाही से बोला, अरे, माँ को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है, और उन्हें कौन बताएगा। तुम तो बस हर महीने माँ जो रुपए भेजती है उस पर ऐश करती रहो। अमित हमेशा ऐसे ही करता था। जब भी उसकी माँ यशोदा जी उससे शहर में आकर मिलने की बात कहती थी, तो वह बात को टाल जाता था और छुट्टियों में खुद ही गांव जाकर माँ से मिल लेता था। कभी कभी जब अमित गांव जाने में देर करने लगता था तो यशोदा जी का मन करता था कि वह खुद ही शहर जाकर बेटे से मिल ले। लेकिन जब भी वो अपने बेटे से कहती थी कि मैं तेरे पास आना चाहती हूँ, तो अमित बहाना बनाते हुए कहने लगता था कि माँ, अभी तुम मेरे पास शहर मत आओ, अभी तुम आओगी तो मैं तुम्हें ज्यादा घुमा नहीं पाऊंगा ना। जब मैं कार खरीद लूंगा ना, तब तुम शहर आना, मैं तुम्हें बहुत सारी जगह घुमाने ले चलूंगा। और तुम यहाँ आओगी तो बेकार में तुम्हें ट्रेन में सफर करने में दिक्कत होगी। मैं जल्दी से गांव आता हूँ ना, फिर तुम मुझे गांव के खेत से सब्जी तोड़कर ताजी सब्जियाँ बनाकर खिलाना, मिट्टी के चूल्हे पर पकी हुई सौंधी सौंधी रोटी खिलाना, शुद्ध देसी घी खिलाना। यहाँ शहर में तो कुछ भी शुद्ध नहीं मिलता है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं यहाँ का दूषित भोजन खाकर तुम्हारी तबीयत न बिगड़ जाए, क्योंकि तुम्हें ऐसा मिलावट वाला खाना खाने की आदत नहीं है। वहाँ तो गांव में शुद्ध हवा, पानी और भोजन मिलता है, यहाँ तो हर चीज में मिलावट होती है। बेटे की बात सुनकर यशोदा जी बहुत खुश हो जाती थी कि बेटा उनके बारे में कितनी परवाह करता है, और वो सपने सजाने लगती कि उनका बेटा कार खरीदेगा और अपनी कार में बिठाकर उन्हें घुमाएगा। लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं पाया था। एक दिन अमित अपनी पत्नी शीला के साथ कार में बैठकर कहीं घूमने के लिए गया था। शाम को वो दोनों घूमकर वापस आ रहे थे। तभी सिग्नल पर जब उसने कार रोकी तो थोड़ी देर के बाद किसी ने उसकी कार की खिड़की को खटखटाया। उसने झुंझलाते हुए पलट कर देखा। उसे लगा कि कोई भिखारी होगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बाहर खड़ी औरत पर पड़ी, वो एकदम सन्न रह गया। बाहर कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ यशोदा जी खड़ी थी। माँ को सामने देखकर वो एकदम से सकपका कर रह गया, लेकिन अगले ही पल खुश होते हुए कहने लगा, अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। इतना कहकर उसने कार का दरवाजा खोल दिया और बाहर निकलकर माँ के पैर छुए। यशोदा जी ने धीरे से कहा, बेटा, मैं शहर में तुमसे ही मिलने के लिए आई थी। वैसे तो इतने सालों से मैं सिर्फ तुझसे ही मिलना चाहती थी, लेकिन तू ही हर बार कहता था कि तू मुझे अपनी कार में बिठा कर शहर घुमाएगा। सच बात कहूँ तो तेरा मन देख कर मैं चुप रह जाती थी, लेकिन मुझे शहर देख कर क्या करना है बेटा, मैं तो बस तुझे ही देखना चाहती थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, और तुमने कार खरीद ली, मुझे बताया भी नहीं।
यह सुनकर पहले तो अमित थोड़ा झेप गया, लेकिन अगले ही पल फौरन बात को संभालते हुए कहने लगा, यह कार तो मैंने कुछ दिनों पहले ही खरीदी है। मैंने सोचा कि पहले मैं ड्राइविंग अच्छे से सीख लेता हूँ, फिर आपको बुलाकर पूरा शहर घुमाऊंगा। तब तक उनकी बहू शीला भी कार से नीचे उतर कर आ गई थी और उनके पैर छूकर उनके बगल में खड़ी हो गई थी। यशोदा जी ने धीरे से कहा कि हम यहीं पर खड़े होकर बातें करते रहेंगे या तू मुझे घर भी ले चलेगा। अमित ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और माँ को कार में बिठाकर घर लेकर आ गया। शीला झुंझलाते हुए रसोई में जाकर चाय पानी का इंतजाम करने लगी। यशोदा जी बहुत ध्यान से बेटे के घर की महंगी सजावट को देख रही थी। तभी उनका पोता आया की उंगली थामे ट्यूशन पढ़कर वापस आ गया। दादी को देखते ही वो उछलकर उनकी गोद में चढ़ गया। यशोदा जी ने प्यार से उसका माथा चूम लिया और गांव से उसके लिए लाई हुई मिठाई उसे खाने के लिए दी। वो खुशी खुशी मिठाई खाने लगा। अमित ने आया से कहा, चिंटू को कमरे में ले जाओ। चिंटू वहां से चला गया तो अमित ने कहा, माँ तुम भी थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो। यशोदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा मैं यहाँ आराम करने नहीं आई, मैं तो बस तुझे एक बार देखने के लिए आई थी, अब मैं वापस जाऊंगी। यह सुनकर अमित को कुछ समझ नहीं आया, माँ इतनी दूरी तय करके केवल उसे देखने के लिए क्यों आई थी। तभी शीला ने चाय नाश्ता लाकर उनके सामने रख दिया। यशोदा जी ने इनकार करते हुए कहा, नहीं बहू मुझे तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पीना है। यह सुनकर शीला चौंक गई और अमित प्रश्न भरी नजरों से माँ की ओर देखने लगा। यशोदा जी ने कहा, मैं यहाँ तुम लोगों को कुछ बताने के लिए आई थी, संयोगवश तुम लोग रास्ते में ही मिल गए। वैसे मुझे तुम लोगों से यह कहना है कि अब से मैं तुम लोगों को रुपए नहीं भेज पाऊंगी। यह सुनकर अमित कहने लगा, क्यों माँ क्या हुआ, तुम हमसे नाराज हो क्या, हमसे कोई गलती हो गई क्या? तो यशोदा जी ने कहा, नहीं बेटा गलती तुमसे नहीं हुई बल्कि मुझसे हुई है। मैंने आंखें मूंद कर तुम्हारी हर बात पर भरोसा किया, तुम्हारे प्यार में अंधे होकर मैं तुम्हारी चालाकियों को समझ नहीं पाई। लेकिन उस दिन जब मैं फोन पर तुमसे बातें कर रही थी और चिंटू ने फोन तुम्हारे हाथों से छीन लिया था, उस वक्त मैंने फोन रखा नहीं था। चिंटू तो मोबाइल लेकर गेम खेलने लगा, लेकिन मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी कि किस तरह तुम मुझे बेवकूफ बनाते थे, मुझसे रुपए ऐंठने के लिए झूठ बोलते थे। यहाँ तुमने कार खरीद भी लिया था और मुझे अपने घर पर आने से रोकने के लिए तुमने यह बात छुपाई। अरे तुम साफ साफ कह देते कि माँ मेरे शहर वाले घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है तो मैं खुद ही नहीं आती, लेकिन तुम यह बात साफ साफ कैसे कह सकते थे, क्योंकि मुझसे तुम्हारा स्वार्थ भी तो जुड़ा हुआ था। तुम्हें यही डर था ना कि मुझे यह सब पता चलेगा तो मैं तुम्हें रुपए भेजना बंद कर दूंगी। तो आज मैं तुम्हारा यह डर खत्म कर देती हूँ और तुम्हें बता देती हूँ कि अब से गांव के मकान के किराए के सारे रुपए मेरे अकाउंट में ही रहेंगे। मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी देने वाली नहीं हूँ। तुम मेरा सम्मान नहीं कर सकते तो ना सही। अब तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो और मुझसे रुपए की उम्मीद बिल्कुल भी मत करना। अमित तुरंत माँ के पैरों में गिर कर माफी मांगने लगा, लेकिन उसके गिड़गिड़ाने से अब यशोदा जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वह बेटे बहू का असली रूप देख चुकी थी। बेटे बहू को सन्नाटे में छोड़कर वह चुपचाप वहां से निकल गई। वह बस बेटे बहू को उनकी औकात दिखाने के लिए ही शहर आई थी। दोस्तों कुछ बच्चे बस स्वार्थ और लालच के कारण ही माता पिता के साथ मधुर संबंध बनाकर रखते हैं। ऐसे बच्चों से सावधान रहना चाहिए और मुंह में अंधे होकर उनकी हर इच्छा को पूरा नहीं करते रहना चाहिए।